नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, हमने साइज के हिसाब से अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। जितनी लंबाई रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा ले लेनी है। डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। शोल्डर इसका 7 इंच लिया है। आर्म होल भी 7 इंच लिया है। शोल्डर आर्म होल बराबर ही ले लेने हैं। अब देखिए, सबसे पहले कपड़े को जोड़कर तैयार कर लेंगे अस्तर और कपड़े को। तो सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद साइड से भी अस्तर और कपड़े, पूरे अस्तर और कपड़े को जोड़ लेना है। तो नीचे की तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। इस पर तुरपाई वाली पट्टी नहीं लगानी होगी। नीचे की तरफ से तैयार हो गया है। अब साइड से भी देखिए इस तरह सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। उसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा आएगा अस्तर के बाहर जो आएगा उसे कट कर लेना है। तो इस तरह हमने कट कर दिया है। आप देखिए, बराबर से एक निशान बना लेना है। बराबर से देखिए, हमने इसको मोड़ कर इस तरह से एक सीधा निशान बना लेना है। उसके बाद अब गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले की कटिंग देखिए हम बुकरम के ऊपर करेंगे। गले की चौड़ाई हमने 4 इंच 2 पॉइंट ली है। गहराई इसकी 11 इंच लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है, आप 3 इंच ले सकते हैं। अब ऊपर वाले गले का इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद नीचे वाले गले को बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 इंच लेंगे। उसके बाद इस तरह से नीचे वाले गले का शेप दे देंगे। उल्टे दिल गले का शेप दे दिया है नीचे वाले गले का। तो देखिए, गले को कपड़े के ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, या तो आप प्रेस करके इसको कपड़े पर पेस्ट कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा है उसे कट करना है। थोड़ा सा देखिए बचाते हुए ही कट करना है। अब देखिए, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, दोनों निशानों को जो गले पर बनाया है वो भी, और जो ब्लाउज वाले कपड़े पर बनाया है, तो दोनों निशानों को बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद बीचों बीच एक सिलाई डाल देंगे। फिर पूरे गले पर सिलाई, जहाँ से गले का निशान बनाया है तो पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है।
देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे कट करना है। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगाना है। तो देखिए यहाँ से कपड़े को कट अलग कर देंगे। दोनों गले गले को अलग अलग पलटना है। अगर यहाँ से कट नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं पलटेगा। नीचे वाले गले पर भी कट लगा देने हैं। पूरे गले पर ही कट लगाने हैं। अब देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलटना है। यहाँ पर अच्छे से कपड़े को बनाकर निकाल लेना है। उसके बाद अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे इसको। अब ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो गला हमारा तैयार है। अब इस पर हमें डिजाइन बनानी है। डिजाइन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम पट्टी तैयार कर लेंगे। तो पट्टी बनाने के लिए हमने सीधा कपड़ा कट कर लिया है। अब दोनों तरफ से इस तरह मोड़ते हुए इस पर एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने पट्टियाँ बना कर तैयार कर ली हैं जितनी लगेंगी। तो देखिए इस पर लगभग 8-8 इंच की 7 पट्टी 4 पट्टियाँ लगेंगी। 7-8 इंच की ले लेनी है। थोड़ी सी बड़ी ही लेनी है ताकि छोट ना हो, और थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो फिर से कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह इसको लगाना है। देखिए इस तरह तिरछा करते हुए यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो पहले मिला लेंगे इस तरह से जितने पर ये तिरछा होगी, यहाँ से सेट करना है। तो इस तरह से मिलाएंगे और आधा आधा इंच की दूरी लेनी है दोनों के बीच में। तो अब इस साइड भी इसी तरह से मिला लेंगे। इसको ऊपर की तरफ तिरछा करना है यहाँ से लगाएंगे तो। इस साइड भी बराबर से मिलाते हुए ही इसे सेट करना है। तो इस तरह देखिए इसे लगा दिया है और अच्छे से बराबर से मिला कर लगाया है। अब इसको बराबर से बनाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना होगा। तो चाहे तो आप मशीन से सिलाई लगा दें या तो हाथ से सिलाई इस तरह से पकड़ कर लगा दें। सिलाई लगाएंगे और साथ में ही एक मोती लगाते जाएंगे। जहाँ से पट्टी क्रॉस हुई है वहीं पर सिलाई लगाना है और वहीं पर मोती भी लगाना है।
तो इस तरह देखिए हमने मोतियां लगा दी है। उसके बाद एक फ्लावर हम तैयार करेंगे। उसके लिए इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा ले लिया है। अब एक साइड से इसको इस तरह घुमाना है और फिर इस तरह से पहले डिजाइनें तैयार कर लेनी है फ्लावर बनाने के लिए। तो देखिए धागे में इस तरह से सभी डिजाइनों को डालना है। तो यहाँ पर देखिए 6 डिजाइन हमने ली हैं। सभी को एक ही धागे में इस तरह डाल लेना है। अब पहली डिजाइन जो डालेंगे उसमें धागे को पक्का कर लेना है ताकि जब खींचे तो धागा निकले ना। अब इसको टाइट से खींचना है, ढीला नहीं रखना है और लास्ट वाली दोनों डिजाइन को पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर एक रेड कलर के कपड़े से हमने बटन पोटली बना ली थी। अब इसको यहाँ पर लगा देंगे। या तो चाहें तो आप सिंपल बटन लगा सकते हैं बना के कपड़े की, या तो फिर रेडीमेड बटन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा कर सेट कर देना है। तो इस तरह से पहले फ्लावर बनाकर तैयार कर लेना है, फिर इसी में 2 लटकन लगाएंगे। उसके लिए भी यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा लिया है। छोटी सी ही लटकन लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। उसी हिसाब से कपड़ा भी ले लेना है। अब इस तरह से कपड़े से लटकन बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले कपड़े को अंदर की तरफ देखिए इस तरह से मोड़ना है। तो छोटी सी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी थी हमारी लटकन, तो हमने इस तरह अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब धागे में इसको डालेंगे और यहाँ पर धागे को अच्छे से पक्का कर देंगे। अब देखिए इसमें मोती डाल लेनी है। जितनी बड़ी लटकन रखनी है उसी हिसाब से इसमें मोतियाँ डालनी है। तो गोल्डन मोती हमने ली है और मोती डाल देंगे। उसके बाद उल्टी वाली साइड में इस तरह से करते हुए इसको लगाना है। अच्छे से देखिए इसको यहाँ पर अब लगा देंगे। इसी तरह दूसरी लटकन भी लगानी है। 2 लटकन यहाँ पर लगाएंगे तो दूसरी लटकन भी इसी तरह से लगा देंगे। तो अब देखिए गले पर लिस्ट लगाना है। तो इस तरह देखिए हमने गले पर लेस लगा दिया है। अब देखिए जो फ्लावर बनाया है उसको ऊपर लगाएंगे, ऊपर वाले गले के बीचों बीच। अब नीचे यहाँ पर 2 लटकन और लगाएंगे। तो देखिए पहले इसे यहाँ पर जोड़ लेना है एकदम बिल्कुल पास में ही, इस तरह से पट्टी पर इसको पकड़ते हुए जोड़ देंगे ताकि अच्छे से देखिए यहाँ पर सेट रहेगा। अगर जोड़ नहीं लगाएंगे जॉइंट तो फिर ये इधर उधर होता रहेगा, इसलिए यहाँ पर जोड़ लेना है। बिल्कुल पास से ही पट्टी लगाना है और पट्टी पकड़ते हुए इस तरह से दोनों को पकड़ कर जोड़ देंगे।
उसके बाद देखिए दो लटकन इस पर भी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम गोल्डन लटकन लिए छोटी सी रेडीमेड, और उसमें मोतियाँ डालेंगे, जितनी बड़ी रखनी है तो मोती डालेंगे। तो इस तरह ना ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, उस ब्लाउज के कपड़े के ऊपर तक ही रहेगी, उसी हिसाब से हमने मोतियाँ डाल दिए। अब देखिए जहाँ पर लेस लगाया, लेस के पास इसको इस तरह से ले जाकर लगाना है, अच्छे से लगा देंगे ताकि ये यहाँ से निकले ना। और इसी तरह से दूसरी लटकन भी यहाँ पर लगा लेनी है। तो देखिए हमने दूसरी लटकन भी लगा दी है। अब इसका लास्ट में प्लेट बनाएंगे, ऊपर वाले गले पर फ्लावर लगाना है। फ्लावर हमने बनाकर तैयार कर लिया है, बस उसे लगाना रह गया है। तो पहले प्लेट बना देंगे, उसके बाद फ्लावर लगा देंगे। अब देखिए फ्लावर लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पर अच्छे से लगा देना है, सिलाई लगाते हुए अच्छे से सेट कर देना है यहीं पर। तो देखिए इस तरह से फ्लावर लगा दिया है, डिजाइन बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।